लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। उनके साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को सह प्रभारी बनाया है। इस पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है, इसलिए अभी से ही भाजपा हाय तौबा मना रही है। भाजपा कुछ भी प्रयास कर ले, फिर भी हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बना रहेगा। इसीलिए वो अभी से हाय तौबा कर रहा है, लेकिन हमारा महागठबंधन बड़ा मजबूत है। जितना है कुछ करे, ये हम लोग बहुत मजबूत के साथ आगे भी हम लोग रहेंगे। ठीक है, हम जब गठबंधन हमारा मजबूत है, बहुत वो लोग हिलाने डुलाने प्रयास करने के बाद हमारा गठबंधन नहीं तोड़ सकते, है ना। इसीलिए हम लोग पहले से मजबूत तैयारी है। पिछले हफ्ता आपने लगाया, झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। इसे देखते हुए भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से तेज कर चुका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में उसने 11-11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी बहुल किसी भी सीट पर भाजपा को इस बार जीत नहीं मिली। इस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, साथ ही यहाँ जीत के लिए कई हथकंडे अपना चुकी है, फिर भी जनता उन्हें नकार देती है, इसलिए कुछ भी प्रयास कर ले सफल नहीं होंगे। कि ये लोग संविधान की हत्या करने का पूरा प्रयास किया, SC ST कानून को भी तोड़ने का प्रयास किया, लोकतंत्र को भी गिरवी रखने का प्रयास किया, लोकतंत्र को नष्ट नाबूद करने का प्रयास किया। इसलिए झारखंड में इनके जितने भी ये अपने फार्मूले ला रहे हैं, ये सारे फार्मूले इनके फ्लॉप हो जाएंगे।